नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। औरैया के भाग्य नगर ब्लॉक के ग्राम मुंशीपुर फपुंद में स्थित मंदिर का एक विशाल भव्य भगवती जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद इटावा के कलाकार सहित दूर दराज क्षेत्रों से आए कलाकारों ने माता रानी की सुंदर भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गणेश स्तुति के साथ माता रानी का देवी जागरण का शुभारंभ हुआ। इसके बाद गायक कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात तक चला। इटावा के कलाकारों ने अपने विचार परिचित अंदाज में जो मेरे घर माँ आई ना, मेरी बिगड़ी बात बनाई ना, तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। एक बार माँ आ जाओ वह मेरे घर के आगे, माँ तेरा दरबार बन जाए, जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए। जैसे सुंदर भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूमने पर विवश हो गए। इटावा से आए गायक कलाकारों ने माता रानी के दरबार में शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को मातामय बना दिया। कलाकारों ने बीच बीच में मां काली, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, शेर पर सवार शेरा वाली के मनमोहक झांकियां पेश कर क्षमा बांध दिया। देवी जागरण में माता रानी का दरबार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। जागरण में आस पास क्षेत्रों के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर रामगोपाल, राकेश कुमार मंडल सचिव कानपुर बड़े लाल, मंडल अध्यक्ष कानपुर अनमोल नायक, मोहन नायक, सुरेंद्र नायक, लज्जा राम पपून, समाज सेवी मंगल नायक, दिनेश नायक जैतपुर, कोमल नायक, शशिकांत नायक, निरंजन नंद बाबा, पंकज सिंह राणावत, सुभाष चंद्र मंडल अध्यक्ष आज सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए आकाश की रिपोर्ट। क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे और आएंगे जितने भी भक्त हैं और ये 5 मिनट का आवाहन मिलकर करें। जैसे कि लोगों को सभा का सम्मान करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।